गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं चिरंजीव खास सर आज क्लास 7 के लिए प्राणियों पोषण चैप्टर 2 बायोलॉजी का उसमें एक कोशी के जीव अमीबा के पाचन को लेकर आया हूँ। इससे पहले हम लोगों ने दो तरह के पाचन पर के आपके बारे में डिस्कस किया इस क्लास में। पहला, प्राणियों में पोषण में हम लोगों ने सबसे पहले मनुष्य में पाचन क्रिया पाचन तंत्र के बारे में बताया, और पिछले क्लास में हम लोगों ने रूमिनेंट अर्थात घास खाने वाले जीवों के पाचन तंत्र के बारे में आपको बताया। आज हम एक विशेष प्रकार के और जीव के बारे में बताने जा रहे हैं जो एक कोशिकीय जीव है, जलीय जीव है। ठीक है, इसे अमीबा में भोजन की प्रक्रिया कैसे होती है और पाचन क्रिया कैसे करते हैं आप देख रहे हैं। एक तरह से हमने अमीबा का एक स्ट्रक्चर बनाया, इसको फिगर द्वारा भी समझाने का प्रयास किया गया है। ये एक कोशिकीय जलीय जीव होता है, इसका आकार अनियमित आकार का होता है, ये अपना आकार हमेशा बदलते रहता है। ये इसका केंद्रक होती है और इसमें छोटे छोटे बुलबुले के रूप संरचना के आकार की बहुत सारे छोटे छोटे संरचनाएं होती है। ये जब कभी भी अपने भोजन के संपर्क में पहुंचता है तो उंगली के समान संरचनाएं इस पर करती है। आप देख रहे हैं हमारे दो उंगली के समान संरचनाएं मैंने आपको दिखाया। इस संरचना को हम लोग पादाभ कहते हैं। क्या कहते हैं? पादाभ। और जब ये खाद्य संरचना के सामने पहुंचता है तो इसे पूरी तरह से जकड़ लेती है, एंगल टाइप का एक हुक टाइप का उसको बना लेती है और उसको अपने शरीर के अंदर प्रवेश करा लेती है। जैसे ही वो उसके अंदर पहुंचता है उसमें खाद्य धानी बन जाती है। क्या बनता है? खाद्य धानी बन जाती है। खाद्य धानी में भोजन पूरी तरह से एक गैप्स के माध्यम में आ जाती है और जहाँ पर पाचक रस प्राप्त होते हैं और उस पाचक रस द्वारा भोजन के कण का क्या होता है, अवशोषण होने से प्रारंभ हो जाता है। वो खाद्य कणिकाएं सरल पदार्थ में टूटना प्रारंभ होता है और उसका अवशोषण होता है, जिसका उपयोग अमीबा अपने आकार में वृद्धि, अपने प्रगति और अपने डेवलपमेंट में कार्य करती है, अपनी संरचना का विकास करती है। और जब वो पूरी तरह से उसका उपयोग कर लेती है, बाकी बचा हुआ भोजन को खाद्य कण धीरे धीरे शरीर के बाहर निकाल देती है और खाद्य कण शरीर से बाहर आ जाते हैं। इसी प्रक्रिया को हमने यहाँ पर आपको समझाने का प्रयास किया है। आप देख रहे हैं, इसको लिखे हैं मैंने, यह जलाशय में पाए जाने वाला कैसा जीव है? एक कोशिकीय जीव है। इसकी कोशिका में कोशिका झिल्ली होती है, एक गोल सघन केंद्र एवं कोशिका द्रव होती है। ये जो गोल केंद्र दिखाए हैं इसको हम लोग क्या कहते हैं? केंद्रक कहते हैं। क्या कहते हैं? केंद्रक कहते हैं। और अनेक बुलबुले के समान आप देख रहे हैं डॉट 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 में दिखाया गया है, ये सारे बुलबुले के समान की संरचनाओं को दिखाया गया है जो क्या है, अनेक प्रकार की धानिया है। यह कंटिन्यूटी में अपना आकार बदलता है। देखिए एक भी फिगर में इसका जो डायग्राम है वो एक समान नहीं है, अलग अलग आकृतियों पर मैंने आपके सामने इसे रखा है। जब इसमें क्या होती है, एक अथवा अधिक उंगली के समान प्रवर्त बनाते हैं। मैंने अभी आपको बताया कि उंगली के समान जो संरचना बनाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? पढ़ाव कहते हैं। जिन्हें पादाभ कहते हैं, जो इसे क्या करती है, जल में गति करने के लिए सहायता करती है और खाद्य कणों को पकड़ने में सहायता करती है। जब इसे भोजन का आवास होता है, जब ये जल में तैरता है, जल में होता है और भोजन का आवास होता है, तो ये क्या करता है? पादाभ का निर्माण करके उस खाद्य कण के चारों ओर विकसित कर लेते हैं। या देखिए, यह खाद्य कण के चारों ओर पादाभ विकसित करके उसे निगल लेता है। हमें दिखाया गया, देखिए उसको कैसे वो निगल रहा है। ठीक है बच्चों, खाद्य कण उसकी खाद्य धानी में फंस जाते हैं। खाद्य धानी में पाचक रस का स्रावित होता है। खाद्य धानी में क्या होता है? पाचक रस स्रावित होते हैं, जो क्या करता है, भोजन के साथ क्रिया करता है और उसे जटिल कार्बनिक पदार्थ से सरल पदार्थों में तोड़ने का कार्य करता है। और जो भोजन का अवशोषण होता है, जब वो पाचित होता है उस भोजन का, वो क्या होता है, वहीं पर अवशोषण प्रारंभ हो जाता है और अवशोषित होने वाली जो पदार्थ होती है वो अमीबा की वृद्धि, उसके रखरखाव और उसके गुणन अर्थात उसके प्रजनन में उपयोग किए जाते हैं, उसके वृद्धि में कार्य करता है। और जो पदार्थ बच जाता है, जो भोजन के कण बच जाते हैं, वो खाद्य धारी द्वारा क्या कर जाता है, बाहर निकलकर बाहर निकाल दिया जाता है। और इस तरह से अमीबा क्या करता है, अपना भोजन प्रक्रिया को पूरा करता है। इसीलिए आज आप लोगों ने लिखा था नया चैप्टर में अमीबा में पाचन, और इस प्रकार से जो एक कोशिकीय जलीय जीव होते हैं अपना भोजन करते हैं। आज के लिए बच्चों इतना ही। अगर किसी प्रकार की कोई असुविधा हुई हो या समझने में तकलीफ हो तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आपको दिया हुआ है। धन्यवाद।